देखना हो या साइंस से कुछ मांगना हो तो वो द्वारकाधीश मंदिर में जरूर आते हैं, द्वारका मंदिर में जरूर आते हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। और यहीं पर ये प्रतिमा कुछ भक्तों ने देखी है और तकरीबन 3 घंटे तक इस तस्वीर को देखा गया है यहाँ पर। जो शिरडी के लोग हैं क्योंकि चमत्कार अक्सर से साईं को लेकर कहा जाता है कि चमत्कार देखे गए थे, ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं जिसमें साईं के चमत्कार का वर्णन किया गया है। फिर चाहे वो पानी के दीपक हो या किसी की बीमारी ठीक करना हो, उस तरीके की चीज़ें, उस तरीके के चमत्कार अक्सर साईं के बारे में सुने गए थे। और आज एक बार फिर से साईं आपके दर्शन यहाँ पर लोग कर रहे हैं क्योंकि चमत्कार एक बार फिर से हुआ है। शिरडी में वैसे भी काफ़ी तादाद में भक्त पहुँचते हैं दर्शन के लिए, लेकिन आज जो मौका है वो बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक तरीके से द्वारका माई मंदिर जहाँ पर सर्वप्रथम शरण साईं बाबा ने ली थी वहीं पर उनकी आकृति देखी गई है, उसी दीवार पर देखी गई है उनकी वो पहली तस्वीर जो कि सबसे पुरानी तस्वीर बताई जाती है साईं बाबा की, वही चेहरा इस आकृति में देखा गया है। ये तस्वीर वो है जो कि लगभग 3 घंटे तक यहाँ पर इस दीवार पर देखी गई, हालांकि अब ये तस्वीर वहाँ पर नहीं है, लेकिन 3 घंटे तक बुधवार की देर रात की तस्वीर वहाँ पर देखी गई। और जैसे ही भक्तों तक ये खबर पहुंची, भक्त मरना शुरू हो गए, शिरडी पहुंचने लगे और द्वारका माई मंदिर में आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त कितनी भीड़ वहाँ पर होगी, क्योंकि चमत्कार साई का सब देखने के लिए पहुँच रही है, चमत्कारी रूप उनका देखने के लिए पहुँच रहे हैं द्वारका माई मंदिर में, जो शिरडी के साई मंदिर का ही हिस्सा है। साथ ही मंदिर के बाद द्वारका माई मंदिर आता है और यहाँ पर उनकी आकृति देखी गई है साई बाबा की, उनका चमत्कार देखा गया है एक बार फिर से। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या वाकई ये चमत्कार है, क्या वाकई ये साईं की महिमा है कि उन्होंने एक बार फिर भक्तों को दर्शन दिए देर रात। ये आकृति क्योंकि देखी गई है द्वारका माई मंदिर में और पूरे जीवन में